दिल्ली से हरिद्वार और देहरादून तक जाने वाला हाईवे NH-58 अब जल्द ही 6 लेन का होगा। इसके लिए मंजूरी मिल गई है। पहले चरण में देहरादून हाईवे मेरठ से मुजफ्फरनगर तक 6 लेन का होगा। बता दें, सबसे ज्यादा ट्रैफिक का दबाव मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच होता है, जिसकी वजह से सबसे पहले मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच हाईवे को 6 लेन का किया जाएगा। इससे एक तरफ देहरादून हाईवे पर लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी, वहीं यात्रा में भी सुविधा मिलेगी। दिल्ली देहरादून हाईवे को मेरठ से मुजफ्फरनगर तक 6 लेन करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के हाईवे के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसी के साथ GPR तैयार कर इसको जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। हाईवे के चौड़ीकरण प्रस्ताव को 3 महीने पहले NHAI ने मंत्रालय को भेजा था। NHAI को हाईवे के चौड़ीकरण की मंजूरी दी, साथ ही GPR तैयार कर उपलब्ध कराने के लिए निर्देश भी दिए। मेरठ से मुजफ्फरनगर तक करीब 65 किलोमीटर दून हाईवे का चौड़ीकरण किया जाएगा। परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव NHAI ने मेरठ से मुजफ्फरनगर तक दिल्ली देहरादून हाईवे पर लगातार बढ़ रहे वाहनों के दबाव और आए दिन लगने वाले जाम से मुक्ति के लिए चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार किया था। इन सब में सुधार के बाद प्रस्ताव को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेजा गया। प्रस्ताव को लेकर मंत्रालय ने कई तरह के सवाल किए और आखिर में देहरादून हाईवे का चौड़ीकरण कर 6 लेन का बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसी के साथ NHAI को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि GPR प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है। हाईवे के चौड़ीकरण का प्रस्ताव NHAI ने मंत्रालय को 3 महीने पहले भेजा था। NHAI के अधिकारी संबंधित विभागों की टीम तैयार कर सर्वे कराएंगे और जल्द ही इसकी GPR तैयार कर मंत्रालय को भी भेज देंगे। परियोजना के पहले चरण में मेरठ के प्रतापपुर से मुजफ्फरनगर के बीच करीब 65 किलोमीटर लंबे हाईवे का चौड़ीकरण कर 6 लेन का बनाया जाएगा। योजना के अनुसार प्रतापपुर से मोदीपुरम के बीच करीब 15 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाने की योजना है। इसके लिए राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और सांसद राजेंद्र अग्रवाल प्रस्ताव बनाकर मंत्रालय को भेज चुके हैं। इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूपी की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद।